एम्प्लॉय स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जिस दिन आप एम्प्लॉय बनेंगे, जिस दिन आप अपने जॉब या बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ये 8 पॉइंट तो आप जरूर कर लीजिए स्ट्रेस बचाने के लिए। पहला तो क्या है, आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन कल्चर पे जुड़ना पड़ेगा। किसी ऐसी सोसाइटी से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको नाम, आपको पद, आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलती है, कुछ सोसाइटी आप ज्वाइन करिए। बहुत सारी एनजीओ सोसाइटी है जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम काम करते तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, नाम मिलता है, पैसा मिले ना मिले हमें थोड़ी खुशी मिलती है, अपनापन मिलता है। अपनेपन की सोसाइटी ज्वाइन करिए भाई, या अभी से कर लो आप लोग कहीं ना कहीं। हम तो कहते सबको ब्रह्म कुमारीज ज्वाइन करो, हम सबको कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी सोसाइटी में जाओ जहाँ पे आपका कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा क्या है, मेंटल हेल्थ के सेशंस ज्वाइन करिए। मैं बार बार कहता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए सेशंस ज्वाइन करिए। आज लोग विवेक बिंद्रा के पास क्यों जाते हैं, लोग सुनील शर्मा के पास क्यों जाते हैं, माहेश्वरी के पास क्यों जाते हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। क्या मेंटल बीमारी सबको होती है, साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम। अब इसको अगर तुम ध्यान रखो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे शरीर बॉडी पार्ट्स भी खराब होने लगेंगे। जिसका दिमाग काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे उसके शरीर में हजार प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेंटल हेल्थ के सेशन ज्वाइन करिए ना, और ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद जाके करिए। कहीं भी कोई अगर अच्छा, जैसे ये होता ना हमारे शहर में बहुत सारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, आप अपनी साइकेट्रिस्ट से अपने मन की बात किसी से बोलिए। तीसरा क्या करें, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल को वर्क लाइफ बैलेंस करिएगा। वर्क लाइफ बैलेंस पर तो ध्यान रखना, एक सेशन अभी होने वाला आपका, वर्क और लाइफ पर बैलेंस आप बैलेंस करिए। एक शेड्यूल ऐसा बनाइए जो बड़ा फ्लेक्सिबल आपका हो और आपके हिसाब से हो। चौथा, हेल्दी और सेफ्टी मेजर्स लीजिएगा। हेल्दी रहने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए मेजर्स लीजिएगा। जैसे आपको कहा जाता है कि भाई सुबह एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर क्यों कहता है, कभी भी आप कोई बीमारी होती है तो दवाई कम लिखता, कहता है कि आप खाना कम करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। एक्सरसाइज क्या है, आप हेल्दी रहोगे तो कोई बीमारी नहीं लगने वाली। सबसे बड़ी बीमारी तो बैठे बैठे जाम हो रहा है। आप में से कई लोग अपने शरीर को वर्षों से ना हिलाए होंगे, अब तो गाड़ी आ गई है और गाड़ी में बैठ के निकल गए, साइकिल चलता था तो एक्सरसाइज हो जाती थी पहले। तो आप एक्सरसाइजेस करेंगे और सेफ्टी मेजर लेंगे, जो चीज़ कितना खाना है वो आपको पता होगा। जैसे विदेशों में मैंने सुना है कि वहाँ पे हर डब्बे पे लिखा रहता है कि आप कितनी खाएं कितनी ना खाएं, और अगर इतना आपने खा लिया तो इतना एक्सरसाइज करिए, वहाँ पे लिखा रहता है विदेशों में, हमारे जो इंडिया में नहीं है अभी ये चीज़, ऐसे बॉक्स में लिखा रहता है कि अगर आपने मान ली 4 रोटी खा ली, वो भी घी लगाकर मक्खन लगाकर, तो आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा कैलोरी बर्न करने के लिए। हाफ एन आवर आप वॉक करने निकल जाए, हाफ एन आवर आप डंबल पट के कुछ तो करिए। तो ये हेल्दी मेजर्स लिखा नहीं रहता, पर यूट्यूब में तो देख सकते हो ना कि अगर आप पार्टी में बहुत मस्त अपनी पार्टी में खूब खाया तो उसके बाद अगले दिन कितना एक्सरसाइज करना आप देख लो भैया। आप 2 घंटे जिम में पसीना बहाओ, खूब खाए हो ना कल, तो उसको जमने मत दो एनर्जी को, उसको कहीं ना कहीं उसको निकाल दो, नहीं तो वो जम जम के आपकी एनर्जी को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, खुद को इनकरेज करें, ग्रोथ मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस में कौन रहता है, जो सालों साल वही खड़ा हुआ है। आप देखते हैं जो नहाता नहीं वो स्ट्रेस में होता है, जो नहाता वो स्ट्रेस में कभी नहीं जाता, जो पूजा नहीं करता वो स्ट्रेस में, तो पूजा करता स्ट्रेस से बाहर हो जाता है। कुछ अगर क्रिएटिव करोगे, आगे बढ़ाओगे तो काय का स्ट्रेस है। रोज जो पढ़ाई करते ना वो कभी स्ट्रेस में नहीं रहते, जो पढ़ाई नहीं करते वो स्ट्रेस में ज़्यादा चले जाते। कुछ नया नया सीखते जाओ, स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कुछ नया सीखो, कुछ नया यूट्यूब वीडियो देखकर कुछ नया कोडिंग सीखने लगे, कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखने लगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने लगे। क्यों, खाली दिमाग ही शैतान का राजा था, खाली दिमाग रहने मत दो। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को जितना हो सके जल्दी खत्म करो। वो लड़ाई होती ना घर में, जैसे पति पत्नी की लड़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसके भाई बहन की लड़ाई होती है, ठीक है, माँ बाप से कभी तुम्हारी टूटू टैटे हो जाती है कि माँ बाप से लड़ गया है तो हमें बात ही नहीं करना, घर में नहीं जाना, शाम को पता चला कि पैसे है ही नहीं, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जितने भी है ना उनको जल्दी झाड़ो। क्या मन में कह लो कॉन्फ्लिक्ट लेके बैठते हैं ना, उन लोग जल्दी स्ट्रेस में जाते हैं। अरे लड़ाई हो गई छोड़ दो ना भाई, आगे बढ़ो। 7th पॉइंट क्या, अपने आप को रेगुलर सर्वे और फीडबैक करें। खुद को आप रेगुलर देखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियाँ आती जा रही है। इसलिए वो कहा जाता है ना, वो एक कबीर ने शायद वो दोहा भी कहा था, कबीर जी वो कहते हैं कि निंदक को नियर रखिए। नियर इंग्लिश में उन्होंने यूज़ कर लिया था कि निंदक को नियर कहाँ रखिए, वो तुम्हें बताते रहेगा तुमका खराब होता जा रहा हो, ठीक है। किसी ने कहा कि आजकल तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए, तो तुम्हें गुस्सा आ जाती है, कैसे बोला तुम चिड़चिड़े हो गए, तो तुमने सोचा चिड़चिड़े हो गए, फिर तुमने सोचा कि रेगुलर कहीं ऐसा करो कि रियली में चिड़चिड़ा हो। तो खुद को आपने चेक किया, जब चेक करते हो तो खुद को आप क्या करते हैं, ठीक करते जाते, तो रेगुलर खुद को ठीक करते जाएंगे तो स्ट्रेस से बचेंगे। और आपको ये ध्यान रखना, प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पॉजिटिव वर्क कल्चर अपने अंदर प्रमोट करें। कई लोग आप देखते होंगे अच्छी खासी पद में है, संडे जाएंगे पेड़ों पे पानी देंगे, पौधों को काटेंगे छीटेंगे, पता है क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छा है, पैसा की कमी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि घर से बहुत तनाव में रहते हैं, घर से संडे जाके
पौधों को रोकता है, सींचता है, फार्मलैंड में बैठते पता नहीं क्या काटते छाटते रहते हैं। हम लोग उसको उल्टा समझते, हम लोग कहते हैं पर घर से लगता है बीवी बहुत परेशान करती है तभी संडे भाग जाता है। नहीं, वो एक एक ऐसा वर्क कल्चर उससे रखा हुआ जिससे वो स्ट्रेस को मैनेज कर सके। तो ये जो 10 पॉइंट है इससे आप क्या, ये 8 पॉइंट आपको मैंने बताया इससे आप क्या करें, स्ट्रेस को मैनेज आपको करना होगा। इसकी फोटो क्लिक करिएगा और इसी के साथ हमारा सेशन भी एंड होता है।